तो दोस्तों अगर आपके WhatsApp पर भी वीडियो कॉल नहीं हो रहा है और जब आप किसी को अपने WhatsApp से वीडियो कॉल करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन जो है शो हो रहा है, और यहाँ पर जैसे ही आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सीधा आपको जो है ऐप इन्फो में ले जाकर जो है छोड़ देता है, और यहाँ से आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको आज की इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आप WhatsApp पर भी जो है किसी को भी वीडियो कॉल किस तरीके से कर सकते हैं जिससे जो है ये ऑप्शन जो है नहीं सो रहा होगा। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको जो है लाइव आपके फोन में जो है वीडियो कॉल लगा के दिखा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं मैंने जो है एक प्रोफाइल को ओपन कर दिया है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मुझे वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है। इस वीडियो कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मुझे कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो है शो हो रहा है, और यहाँ पर सेटिंग्स और नोट नाउ का ऑप्शन भी जो है मुझे शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं नोट नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है बैक हो जाएगा, और अगर यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सीधा ये जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन ले जाकर यहाँ पर मुझे छोड़ देगा, और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो है यहाँ से कुछ भी समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा, आप उसी मेथड को जो है फॉलो करना तो आपका जो ये ऑप्शन है ये शो नहीं होगा और आपका जो डायरेक्ट है ये वीडियो कॉल लग जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सिंपल से आपका जो फोन का सेटिंग्स एप्लीकेशन है इसको ओपन कर देना है। आपका फोन का सेटिंग्स को ओपन कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो सेटिंग्स एप्लीकेशन है ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एप्स एंड परमिशन का आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐप एंड परमिशन का आपको एक जो है नया पेज ओपन हो जाएगा। वरना आपको क्या करना है, अगर आपको जो है ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स में सर्च बार का भी ऑप्शन मिलता है, इस सर्च बार के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखना है एप्स एंड परमिशन। एप्स एंड परमिशन लिखकर आपको सर्च कर देना है। ऐप एंड परमिशन लिखकर आपको सर्च कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐप एंड परमिशन का ऑप्शन आ गया है, और इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐप एंड परमिशन का पेज जो है खुलकर आ जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐप मैनेजर का आपको ऑप्शन मिलता है, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ऐप मैनेजर का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ऐप मैनेजर का और एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो है आपका जो फोन में जितना भी एप्लीकेशन होगा यहाँ पर लोडिंग होकर सब कुछ जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है और लोडिंग होकर आ जाएगा। लोडिंग होकर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके देखना है आपका जो व्हाट्सअप एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन कर देना है। यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको देखना है कि आपका व्हाट्सअप एप्लीकेशन कौन सा है। तो यहाँ पर जो है मैंने मेरा जो है ये व्हाट्सअप एप्लीकेशन है, और इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग लगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर ऐप इन्फो करके और एक नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत कुछ जो है ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल का भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको परमिशन वाला एक ऑप्शन मिलता है, इस परमिशन वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का जो परमिशन पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर जो परमिशन आप अलाउ किए होंगे यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, और जिस परमिशन को आप नॉट अलाउ किए होंगे यहाँ पर वो परमिशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नॉट अलाउ में देखना है कि आपको कौन कौन सा जो परमिशन अलाउ नहीं किए है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा का ऑप्शन जो है मिलता है, सेकंड में आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है। तो आपको इस परमिशन को सिंपल से ओपन कर देना है, क्योंकि अगर आपका जो वीडियो कॉल है ये आप लगाना चाहते हैं तो आपका कैमरा ये जो है आपको ओपन कर लेना है। तो आपको क्या करना है, इस कैमरा वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया हुआ है अलाउ ओनली वन यूज द ऐप, यहाँ पर सबसे पहला वाला ये ऑप्शन मिलता है आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका डोंट अलाउ होगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ ओनली वन यूज द ऐप वाले ऑप्शन पर टिक करके छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद आपको सिंपल से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोफोन को भी जो है अलाउ कर देना है। तो आपको सिंपल से माइक्रोफोन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है अलाउ ओनली व्हेन यूज द ऐप वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको इसको भी अलाउ कर देना है, इस दो परमिशन को आपको सिंपल से अलाउ कर देना है। अलाउ जैसे ही कर देंगे तो आपका जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सअप एप्लीकेशन को जो है ओपन कर देना है। व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद जिसको भी आप वीडियो कॉल लगाना चाहते हैं यहाँ पर आपको सर्च कर देना है।
सर्च कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक प्रोफाइल को ओपन कर दिया है। ओपन कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो है वीडियो कॉल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो कॉल है ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव जो है आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरीके से वीडियो कॉल हो रहा है। तो आपको यहाँ पर सिंपल से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो अलाउ कर देना है। अलाउ जैसे ही कर देंगे तो आपका जो ये वाला वीडियो कॉल है ये लग जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने वीडियो कॉल लगा के आपको दिखा दिया है, जो ऑप्शन पहले जो शो हो रहा था ये जो शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको जो है ये ऑप्शन शो नहीं होगा और आपका जो व्हाट्सएप पर जो है वीडियो कॉल बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सीखने को मिल गया होगा कि किस तरीके से हम व्हाट्सएप का जो वीडियो कॉल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको सोल्यूशन बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक नए वीडियो पर। ये वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही।